स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में यूनिट फिफ्थ करेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मीन्स होता है भाग करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे करना है हमें भाग। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो स्टेप नंबर 1 आपका लिखा है 3 × 15। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आपका टेबल दिया गया, तो हमें कितनी बार टेबल बोलना है, 3, 5 × 15 है। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे मिला हमें, 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और कितना हो जाता है 3, 5 × 15, यानी 1 में 1 गए 0, 5 में 5, यहाँ पे माइनस का साइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम और भी करेंगे, तरीके अपने होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई इनको हम कहते क्या हैं, क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका एक डिवाइड दे रखा है मैंने 2। ठीक है, डिवाइड आपका हो गया यहाँ पे 8 से कराना है, तो 2 का टेबल हमने 8 बार बोला, जब तो कितनी बार में मिला, 4 बार में, माइनस किया 0 आया। अब इस 2 को हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर। 8 को बोलेंगे डिवाइडेंट, 4 को क्या बोलेंगे, क्वाइटेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर कोई आता है, यहाँ पे 0 हो गया तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ऐसे ही आपका है 5 का, आपको किसने डिवाइड कराना है, 47 से। तो 5 का टेबल में आपको बोलना है कि 47 आपको मिलना चाहिए, यानी इससे आपको बड़ा नहीं होना, इससे छोटा ही रहना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो 5 का टेबल आपने 9 बार बोला, तो 5 × 9 = 45, यानी 5 × 10 = 50, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 × 9 = 45, यानी 47 से 45 थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। 7 में 5 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 में 4 गए आपका 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइजर। 5 को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट हो, 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो, ये क्या हो जाएंगे हमारे डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइडेंड। यहाँ पे और भी कोई भी डिजिट लिखी हो, यहाँ पे भी हमने 2 नंबर की डिजिट लिखी, यहाँ जैसे इसमें 1 नंबर की थी, यहाँ पे 3, 4 कुछ भी हो उसको, लेकिन हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। अब आ गया आपका रिमाइंडर, सॉरी क्वाइटेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट। और जो हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 2, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ये समझ आ गया आपको किसको क्या बोलते हैं। अब आपका है एक्सरसाइज 5.1, आपको डिवाइड द फाइंड, आपको डिवाइड करना है और उनके क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 / 2 लिखा है, तो आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड कराओगे 8 से। आपको 2 का टेबल बोलना है जिसमें 8 अब मिलता है कि नहीं मिलता। तो 2 का टेबल आपने बोला 8 बार, तो 2 के टेबल में जब 8 बार बोला तो अपने को कितनी बार में मिला, 2 × 4 = 8, यानी 8 में 8 गए आपके, कितना हो गया 0। तो हम यहाँ पे 2 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर। 8 क्या हो गया, एट डिवाइडेंड हो गया आपका, 4 क्वाइटेंट एंड 0 आपका हो गया रिमाइंडर। अब आपको ऐसे दूसरा नंबर देखो, बी नंबर 9 / 3, 3 का टेबल आपने 9 बार, सॉरी 3 के टेबल आपको 9 कितनी बार में मिला, 3 बार में, 3 × 9 = 9, 9 लिखा 0। ऐसे ही आपको ये भी हो गए, ये डिवाइजर हो गया आपका। ठीक है, डिवाइडेंट, क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर। फिर आपका 12 / 4, 4 का आपको 4 का मतलब देखना है टेबल में 12 कितनी बार में मिलता है, तो 4 × 12, तो हमने 12 लिखा और 12 में 12 गए आपके 0। ऐसे हमारा 16 / 4, 4 के टेबल में आपको फिर ढूंढना है कि 16 कितनी बार में मिलता है, 4 × 4 = 16, 6 आ गया, ये आपका हो गया। ऐसे आपके सेम है, आपको करते जाना, लेकिन हमने किया कि हमारे वो टेबल में मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे होंगे कि जहाँ पे हमें वो रिमाइंडर इसमें आएगा हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें उससे कम में कर लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बाकी आपके सिंपल है, आप कर लोगे। यहाँ पे देखो आई नंबर में क्या है, 65 / 8, अब 8 का टेबल आपको 65 बार बोलना है। देखो 8 के टेबल में 65 मिलता है क्या, 8 × 64, 8 × 9 = 72, यानी 65 से 72 ज़्यादा है नहीं, बड़ा है इससे, तो माइनस नहीं होगा। तो 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, 56 ज़्यादा छोटा रह जाएगा, तो 8 × 8 = 64 हमने किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे माइनस का साइन किया, 5 में आपको हमेशा राइट साइड से इसको माइनस करना है, 5 में 4 गए 1, 6 में 6 गए 0, ये 1 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। 8 क्या हो गया हमारा, डिवाइजर। ये क्या हो गया, डिवाइडेंड एंड क्वाइटेंट। बाकी भी सेम ऐसे ही करने हैं आपको, 8 का टेबल आपने 78, आपका 8 के टेबल में देखना है 78 मिलता है क्या,
तो 8 के टेबल में 78 नहीं मिलता, लेकिन इससे कम भी मिल रहा है ना, 8 9 जा 72। तो हमने 8 में 2 माइनस किया 6 एंड 7 में 7 गए 0, 6 हो गया हमारा, क्या हो गया, रिमाइंडर। ऐसे ये भी है, सारे आपको सेम ऐसे ही करने हैं। एक लास्ट देख लो, 6 का आपको करना है 47। अब आप ये देखो 6 के टेबल में 47 आ रहा है क्या, या इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, यानी 48 तो ज़्यादा है, 47 छोटा रह जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 6 7 जा 42। हमने 7 में 2 किया क्या, माइनस किया 5, 4 में 4 गए 0, 5 रिमाइंडर, 6 हो गया डिवाइजर, ये 47 हो गया डिवाइडेंड एंड 7 हो गया क्वाइटेंट। ऐसे ये देखो 9 का आपको करना है, 9 के टेबल 53 मिल रहा है क्या, नो नहीं मिल रहा, इससे कम भी तो मिल रहा है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 ज़्यादा है। तो हम कितने बार करेंगे, 5 बार, 9 5 जा 45, यानी कि ये क्या हो गया, अब वही क्या देखो, 3 तो छोटा है 5 बड़ा है, तो ये माइनस कैसे होगा, तो ये इस 5 ने इसको 1 दे दिया, ये बन गया आपका 13 13 में 5 जाएगा आपका 8। यहाँ पे जब इसने 1 कैरी दिया तो 4 4 में 4 गए 0, 8 हो गया हमारा रिमाइंडर, 9 हो गया डिवाइजर, 53 हो गया डिवाइडेंड, 5 हो गया क्वाइटेंट एंड 8 हो गया रिमाइंडर। बाकी भी सेम आपको ऐसे ही करने हैं।